दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे आप अपना खुद का एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, इवन दोस्तों आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आई होप कि आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है और आपने वीडियो प्रोडक्शन भी जो है कर लिया है। अब सिंपली से आपको वो वीडियो को अपलोड करना है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि क्या है प्रॉपर तरीका वीडियो को YouTube चैनल पे अपलोड करने का, या फिर कह रहे हो दोस्तों हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कर दो इस वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम मान के चल रहे दोस्तों कि आपने जो है एक YouTube चैनल क्रिएट कर लिया है और आपने वीडियो शूट एंड एडिट भी कर लिया है, यानी कि आपका वीडियो कंप्लीट है और आपको सिंपली अब अपलोड करना है। बाय द वे दोस्तों वीडियो अपलोड एडिटिंग के ऊपर भी जो है वीडियोस आएगी, बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपने एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अब सिंपली आपको वीडियो को अपलोड करना है अपने चैनल के ऊपर। तो क्या है उसका प्रॉपर तरीका, क्या है उसका टेक्निक, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम YouTube पे आ चुके हैं और अभी हमें क्या करना है, तो सिंपली से आपको ये जो प्रोफाइल का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है, और नीचे आपको YouTube स्टूडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो है डैशबोर्ड वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड वीडियो का, इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू दोस्तों आपको वीडियो को अपलोड करना है। तो यहाँ पे वीडियो को लाने का दो तरीका है, पहला ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि वीडियो को पकड़ के ला के यहाँ पे छोड़ दो, और या फिर दूसरा यहाँ पे क्लिक करो इस एरो पे और आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप वीडियो को चूज़ कर सकते हैं कि वीडियो आपने जहाँ भी रखा है उस वीडियो को जाके चूज़ कर लो। अब देखिए मेरा वीडियो अपलोडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स जो है डालना है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इस इन सभी के ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। तो अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके ऊपर वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। तो फिलहाल मैं टाइटल डाल देता हूँ डेमो वीडियो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं दिस इज डेमो वीडियो। ओके गाइस, अभी नीचे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए थंबनेल का एक ऑप्शन है, अगर आपने कोई कस्टम थंबनेल बना के रखा हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब क्या करेगा, आपके वीडियो में से किसी भी एक रैंडम पार्ट को उठा के थंबनेल की तरह जो है यूज़ कर लेगा। अब कुछ लोगों को थंबनेल के बारे में शायद नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप अपने मोबाइल में या फिर अपने ब्राउज़र में यूट्यूब को ओपन करते हैं तो वहाँ पर तरह तरह का बहुत सारा ज़्यादा आपको इमेज दिखाई देता है, मतलब कि उसका फ्रंट इंटरफेस दिखाई देता है, जिसको देख के आप क्यूरियस हो जाते हैं और आप वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। जैसा कि अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, ये जितना भी फोटोज़ आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा जो है थंबनेल है। तो इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट। तो आप अपने वीडियो के लिए जो है प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो मेरे चैनल पे बहुत सारा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट कैसा होता है और प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस आपको कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, येस और नो का, मतलब कि आपका कंटेंट बच्चों के लिए है या फिर नहीं। तो मेरा कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है इसलिए मैं नो करूँगा, हो सकता है आपके केस में बच्चों के लिए हो तो आप येस कर देना। ओके, अब मोर ऑप्शन पे आते हैं, नीचे आपको टैग डालना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला दोस्तों कि टैग्स के बारे में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने डाल दिया है, और नीचे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, YouTube इसको खुद ही हैंडल कर लेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एंड स्क्रीन और कार्ड्स। बेसिकली ये क्या होता है और इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप एक वीडियो में अपने दूसरे वीडियो को जो है इंटरलिंक कर सकते हैं, यानी कि प्रमोट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बोला था कि अगर पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। ये वही एंड स्क्रीन है, मैंने इस वीडियो में उस वीडियो को प्रमोट किया था। ठीक है, यानी कि उसको इंटरलिंक किया था, इस तरह से कर सकते हैं। बट
यहाँ पे ये डिजेबल इसलिए है क्योंकि ये जो है डेमो चैनल है और यहाँ पे ये पहला वीडियो है। जब दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है इनेबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी तक जो भी प्रोसेस देखा दोस्तों आपने, ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस था, ये आपको करना ही है। लेकिन अब जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं पे आपका मेन स्ट्रेटजी छुपा है। अगर आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जो है अच्छे अपने वीडियोज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, यानी कि रैंक करवा पाएंगे। तो आइए इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे आपको वीडियो को पब्लिश करने का 3 ऑप्शन मिलता है और एक आपको स्केड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो वीडियो पब्लिशिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो पब्लिशिंग में 3 ऑप्शन है, प्राइवेट, अनलिस्टेड और पब्लिक। ये तीनों क्या है आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट का मतलब होता है कि जब आप कोई वीडियो को प्राइवेट कर देंगे तो कोई भी उस वीडियो को नहीं देख पाएगा। दूसरा होता है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का मतलब होता है कि आपका वीडियो प्राइवेट ही हाफ प्राइवेट है, लेकिन उसका लिंक के थ्रू कोई वीडियो उस वीडियो को वॉच कर पाएगा कोई बंदा, ठीक है। और पब्लिक का मतलब होता है कि अगर आपने पब्लिक करके कोई वीडियो को अपलोड किया, ठीक है, तो आपका वीडियो अभी के अभी जो है लाइव हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है दोस्तों कि अगर हम कोई कॉन्टेंट बनाते हैं और वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। देखिए इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आप कोई सर्चेबल कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि लोग सर्च करते हैं, तो आपको दोस्तों अनलिस्टेड करना होगा। अनलिस्टेड करके आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि जब ये आप अनलिस्टेड करके जब अपने चैनल पे पब्लिश कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो यूट्यूब को टाइम मिल जाता है आपके वीडियो को क्राउल करने के लिए, और आपके वीडियोज़ को अच्छे से वो क्राउल कर पाता है, जिसमें वो चेक करता है कि आपके वीडियोस में कौन सा टाइटल है, कौन सा कीवर्ड है, ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में टैग्स में कौन कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके वीडियोस को अच्छी खासी रैंक मिल जाती है। बट अगर आपका कोई व्लॉग चैनल है जिसमें आप व्लॉगिंग करते हैं, और या फिर आपका बड़ा चैनल है जहाँ पर आपका सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप चाहे तो आप सीधा वीडियो को पब्लिक करके ही एट द टाइम आप वीडियो को अपना लाइव कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मैं बोलूं अगर आपसे, तो आप अनलिस्टेड करो तो ज़्यादा बेनिफिट है। क्या पता हो सकता है आपका व्लॉगिंग ही हो बट उसमें कोई कीवर्ड रैंक कर जाए, तो आपका ही बेनिफिट है ना। तो अगर आप अनलिस्टेड करेंगे तो आप ही का अच्छा है, ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन है दोस्तों। वेल दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलिस्टेड करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जब आप सेव कर देंगे तो आपका वीडियो जो है आपके चैनल पर अपलोड हो चुका है बट अभी वो लाइव नहीं हुआ है, तो अब हमको उसको लाइव करना है। तो 10 मिनट के बाद आपको वापस से अपने चैनल पे आना है, कंटेंट पे जाना है, और आपका वो वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली से इस वीडियो पे यहाँ पे जो डिटेल्स का ऑप्शन है, ये एडिटिंग वाला पेन का, इस पर क्लिक करना है और आपको सिंपली नीचे आना है यहाँ पे, और ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है विजिबिलिटी का, यहाँ से आपको पब्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे डन करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे आपका वीडियो लाइव हो जाएगा और आपका वीडियो अच्छे से रैंक कर पाएगा। बस अभी मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेमो वीडियो है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी वीडियो को अच्छे से रैंक करवा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना चैनल का नाम नीचे कमेंट करना मत भूलना, मैं भी चेक करूँ आपके चैनल को कि आप कैसा वीडियोस बनाते हैं। तो अभी मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताया दोस्तों, या फिर ट्रिक्स बताया है दोस्तों, ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और ये मेरे लिए वर्क करती है। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे, आप इस तरह से वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो आपकी वीडियोस भी जो है अच्छे से ऑप्टिमाइज होगी, यानी कि आपकी वीडियोस रैंकिंग में आएगी, और एक बार आपकी वीडियोस रैंक कर गई तो आपको जो है व्यूज़ भी मिलेंगे और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, यानी कि आपका चैनल जो है ग्रो होगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके, और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज का सवाल आपसे यही है कि आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है और आपके चैनल का नाम क्या है, नीचे लिख दो कॉमेंट्स में, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी नीचे सजेस्ट कर दो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।